देखो बच्चों, हम लोग किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप का होता है। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप का होता है। तो फर्स्ट जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इसका जो है हम लोग वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जो है फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। देखिए, ध्यान दीजिए, बाइनरी फिजन। एंड सेकंड टाइप इज बाई इंडोस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बाइनरी फिजन जो है, इस समय हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है बाई इंडोस्पोर पढ़ेंगे। तो देखिए, बाई बाइनरी फिजन में जो है क्या होता है, ये जो बाइनरी फिजन होता है ये मोस्ट कॉमन मेथड है बैक्टीरिया का, जो है मोस्ट कॉमन मेथड है। और एक बात और बताते हैं, सभी काइंड के बैक्टीरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, सभी काइंड के बैक्टीरिया में ये मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन है। सभी काइंड के बैक्टीरिया में ये मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन है। होता क्या है, देखिए, जब अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तो देखिए यहां पर जो है फिगर बना हुआ है, ये बैक्टीरिया का जो है ये फिगर है। देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, ध्यान दीजिए, तो ये जो पैरेंट सेल है, ये पैरेंट सेल जो है इलांगेट होने लगता है। पैरेंट सेल, देखिए, ये जो है इसमें जो है पैरेंट सेल जो है इलांगेट हो जाता है। और जब पैरेंट सेल इलांगेट होगा तो उस समय जो है जो आपका ये न्यूक्लियर मटेरियल है उसका भी इलांगेशन होता है। देखिए, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी जो है इसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। अच्छा, अब देखिए, यहां पर जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है रिप्लिकेशन करता है, क्या करता है, रिप्लिकेशन होगा। एक्चुअल में रिप्लिकेशन में मीजोसोम जो है हेल्प करता है। तो देखिए, इसके बाद क्या होता है, जब रिप्लिकेशन हो जाता है तो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक्चुअल में ये बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होती है रिप्लिकेशन करना, मतलब अपने समान जो है जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको क्या कर देना, रिप्लिकेट करके दूसरा बना देना। तो रिप्लिकेशन का पावर इसमें होता है। ये जो है क्या करते हैं, जो इनके अंदर डीएनए होता है उसको ये डीएनए रिप्लिकेशन करके दो डीएनए बना देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें जो है सेलवाल में जो है
ट्रांसवर्स जो है ट्रांसवर्स डिवीजन शुरू हो जाता है तो सबसे पहले जो है जो सेलवाल में जो है इन्वेजिनेशन ऑफ सेलवाल होता है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेलवाल होता है जिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, जो मटेरियल है जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अच्छा यहाँ पर जो है ये सेप्टम का निर्माण होना शुरू हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ सेंटर पार्ट में सेप्टम का जो है ये ट्रांसवर्सली जो है सेप्टम का निर्माण करने लगते हैं। एक चीज और बता दें, ये जो सेप्टम बनता है इसका जो निर्माण होता है सेंट्रीपिटली होता है, सेंट्रीपिटली होता है अर्थात पेरिफरी से शुरू होकर के सेंटर की ओर, पेरिफरी से शुरू होकर के सेंटर की ओर होता है। समझिए जब पूरा सेप्टम का निर्माण हो जाता है तो ये जो सेप्टम बनता है इस तरह से डबल लेयर का बनता है। कितने लेयर का बनता है? डबल लेयर का। और फेवरेबल कंडीशन आने पर, जब ध्यान दीजिए फेवरेबल कंडीशन आने पर बैक्टीरिया सेल टू इक्वल सेल में इसको कहते हैं डॉटर सेल, इसको कहते हैं डॉटर सेल, टू इक्वल डॉटर सेल में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हमको वन बैक्टीरिया से बाय फ्यूजन टू डॉटर बैक्टीरिया प्राप्त हो जाते हैं। देखिए ये जो बाइनरी फ्यूजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है जो डिवीजन होता है बाइनरी फ्यूजन में जो डिवीजन ऑफ मटेरियल हुआ ये एक्चुअल में ए माइटोसिस होता है। ए माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ए माइटोसिस। अब ए माइटोसिस क्यों? क्योंकि इस डिवीजन में स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। बात समझिए, अगर जो है स्पिंडल का फॉर्मेशन, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसीलिए इसको ए माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। एक बात और इसके बारे में बता दें, ये जो है जो माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन एंड मियासिस डिवीजन, एंड मियासिस डिवीजन, मियासिस डिवीजन से वेरी फास्ट होता है। ये जो डिवीजन बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है ये वेरी फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। देखिए एक बार डिवीजन में, एक बार बाइनरी फ्यूजन होने में नियर अबाउट 20 मिनट से 30 मिनट लगता है। ध्यान दीजिए ये एक्चुअल में वन डिवीजन में 20 से 30 मिनट लगता है। और ऐसा बट कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए, कंडीशन जो है फेवरेबल होना चाहिए। ये जो भी डिवीजन होता है ये फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। तो देखिए कंडीशन जो है अगर फेवरेबल है तो वन बैक्टीरियल सेल 20-30 मिनट में टू डॉटर सेल का निर्माण कर देगा। अब जब टू डॉटर सेल जो है फिर बाइनरी फ्यूजन करेंगे तो फिर टू डॉटर सेल, तो इस तरह से जो है नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करते जाते हैं। माना गया है, ऐसा देखा गया है कि 6 आवर में, जरा ध्यान दीजिएगा 6 आवर में ये डिवाइड होकर के एक सिंगल बैक्टीरिया, वन सिंगल बैक्टीरिया 6 आवर में 2,50,000, मतलब सोच लीजिए इतना डाटर बैक्टीरिया, मतलब इतने बैक्टीरिया का जो है निर्माण कर देते हैं। सोचिए इसका, बट यहां भी फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। तो फेवरेबल कंडीशन में वन सिंगल बैक्टीरिया जो है 6 आवर में
सिक्स आवर में एप्रोक्सीमेटली जो है ये जो है 250,000 जो है बैक्टीरिया का निर्माण कर देते हैं बाई बाइनरी फीजन। अब हम आपको देखिए सेकंड जो टाइप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो भी बहुत इजी है। एक्चुअल में बाई इंडोस्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई इंडोस्पोर देखिए इसमें क्या है, बहुत इजी है। इसमें क्या है, बाई इंडोस्पोर में जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है बैक्टीरिया के लिए, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो है अनफेवरेबल कंडीशन में ये बैक्टीरिया जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंडोस्पोर का निर्माण करता है। देखिए अनफेवरेबल कंडीशन में ये इंडोस्पोर का निर्माण करता है। देखिए लेकिन एक बात बता दें, अनफेवरेबल कंडीशन में जो है इंडोस्पोर का तो निर्माण हो जाएगा, होता है, बट इसके जर्मिनेशन के लिए इंडोस्पोर को मैच्योर होने के लिए ये जो है फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। ध्यान रखिए इंडोस्पोर का निर्माण इनसाइड द सेल कर लेता है, ये जो पैरेंट बैक्टीरिया है इनसाइड द सेल जो है अनफेवरेबल कंडीशन में इंडोस्पोर का निर्माण कर लेता है, लेकिन ये जो इंडोस्पोर है इसको जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। अब फेवरेबल कंडीशन क्या है, जैसे सफिशियंट न्यूट्रिशन होना चाहिए। सफिशियंट देखिए ध्यान दीजिए, सफिशियंट जो है न्यूट्रिशन होना चाहिए, सफिशियंट न्यूट्रिशन होना चाहिए, सफिशियंट ह्यूमिडिटी होना चाहिए, ह्यूमिडिटी जो है सफिशियंट होना चाहिए। ध्यान दीजिए सफिशियंट जो है आपका टेम्परेचर होना चाहिए, सफिशियंट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये जो है बात समझिए, ये फेवरेबल कंडीशन में ही जो है जर्मिनेशन करते हैं, बात समझिए। इसका मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके चारों ओर एक हार्ड कवरिंग, टफ कवरिंग बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कवरिंग है ये थिक होता है, ये कवरिंग जो होता है थिक होता है और हाईली रेजिस्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कवरिंग होता है अनफेवरेबल कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियर मटेरियल के जो है अराउंड जो है ये हाईली रेजिस्टेंट कवरिंग बनाते हैं। अब जो है ध्यान दीजिए हाईली रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हाई टेम्परेचर हो, क्या हो, हाई टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर सपोज करिए रेडिएशंस, ध्यान दीजिए रेडिएशंस, ये कोई केमिकल्स देखिए केमिकल्स और एंटीबॉडीज देखिए इन सब का इफेक्ट जो है इनके ऊपर, ये जो कवरिंग है इसके ऊपर नहीं होता है, इतना जो है टफ कवरिंग होता है, बात समझिए। और एक बात और बता दें, ये जो वन बैक्टीरिया है पैरेंट बैक्टीरिया, सिर्फ वन इंडोस्पोर बनता है, सिर्फ वन इंडोस्पोर बनता है। अच्छा जब फेवरेबल, देखिए जर्मिनेशन हो गया, जब फेवरेबल कंडीशन आया तो जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होने के बाद जो है ये क्या करता है, बैक्टीरिया
जो पेरेंट सेल है उसमें से डॉटर बैक्टीरिया जो है ये क्या होता है बाहर निकल जाता है। बात समझिए, उसमें से डॉटर बैक्टीरिया जो है बाहर निकल जाता है। और देखिए, चूंकि वन सिंगल सेल से जो है ये जो है डॉटर सेल बना, वन सिंगल सेल से ये डॉटर सेल बना, इसीलिए इस मेथड को जो है इस मेथड को मेथड ऑफ पेरिनेशन कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ पेरिनेशन कहते हैं, मेथड ऑफ पेरिनेशन कहते हैं। और कुछ लोग इसे रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। देखिए ध्यान दीजिए, विदाउट मल्टीप्लीकेशन, तो रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए एक बार बता दें, ये जो इंडोस्पोर का फिगर बना हुआ है इसमें आप देख लीजिए, यही जो है ये जो है हाईली रेजिस्टेंस कवरिंग बना है, अच्छा अब जो है इसका जो एग्जाम्पल है बता दें, जेनेरा बैसिलस और जेनेरा क्लास्ट्रिडियम के सभी स्पेसीज में ये जो है इंडोस्पोर बनता है। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन एंड बाय इंडोस्पोर जो है समाप्त हो गया। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का स्टडी करेंगे। धन्यवाद।